हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रिप्स की आप कटिंग लेंथ किस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पे मैं एग्जांपल के लिए एक साइज़ ले लेता हूं बीम की। तो ये बीम है ना, इसका मैं साइज़ लिख देता हूं। सपोज़ ये है 12 इंच और ये है 24 इंच। ठीक है, ये इसकी साइज़ है बीम की। अब इसके अंदर स्टीरप्स हैं, तो ये बार दिखा दिया मैंने और ये है स्टीरप्स। ठीक है, ये स्टीरप्स हैं। तो हमें इस स्टीरप्स की कटिंग लेंथ निकालनी है। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करना एमएम में या मीटर में बहुत इजी होता है। तो जो 12 इंच है इसको पहले हम एमएम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 इंच, तो ये हो जाएगा एमएम में अगर हम लिखेंगे तो ये 300 एमएम हो जाएगा। ठीक है, और 24 इंच ये हो जाएगा 600 एमएम। इसका जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेंगे ताकि ईजी रहेगा कैलकुलेशन करने में। ये जो है ना हुक, ये हुक कितना लेना है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हुक लेंगे हम 10D, यानी कि जो भी डाई ऑफ बार रहेगा उसका मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, उतना हमें ये लेंथ रखना रहेगा। और क्या इसमें कवरिंग लगेगा, कवर टॉप एंड बॉटम में 40 mm कवर रहेगा, यानी ऊपर और नीचे ये कवर जो छोड़ना रहेगा वो 40 mm छोड़ना रहेगा। और साइड जो ये साइड और ये साइड जो रहेगा उसमें हमें 25 mm रखना है। तो ये हमने लिख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इस स्ट्रिप्स के लिए। कटिंग लेंथ इसको मैं फॉर्मूले में डालने के लिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। सपोज़ इसको ये ए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 into a प्लस, यानी कि ये वाला ये लेंथ और ये लेंथ हमें प्लस करना रहेगा इसलिए मैं 2 कर दिया हूँ, 2 into b। उसी तरीके से ये लेंथ और ये लेंथ को ही प्लस करना है हमें, तो मैंने यहाँ पे 2 into b कर दिया। फिर प्लस 2 into 10D। अब ये 10D और 2 क्यों लिया मैंने, कि ये जो हुक है, हुक एक इधर भी है एक इधर भी है, तो इसलिए मैं दो बार उसको मल्टीप्लाई करूँगा 10D से, हुक लेंथ से। ये हो गया। उसके बाद हमें माइनस भी करना रहता है, माइनस जहाँ जहाँ पे बेंड हो रही है उसको हमें माइनस करना रहता है, क्योंकि जब हम बेंड करते हैं स्टील बार को तो वो इलोंगेट होता है, स्ट्रेच होता है, तो हमें वो लेंथ माइनस करनी होगी। तो हम इसको माइनस करेंगे 3 into 2D और फिर माइनस करेंगे हम 2 into 3D। अब ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 2D दिख रहा है और 3 टाइम, तो यानी कि कब इलोंगेट होता है, जब किसी भी स्टील बार को जब 90 डिग्री पे बेंड करते हैं तो 2D इलोंगेट होता है, और जब किसी भी बार को अगर 135 डिग्री पे बेंड करते हैं तो वो 3D इलोंगेट होता है। इसकी वजह से मैंने क्या किया है कि 3 into 2D लिया, यानी कि 3 टाइम 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है। यहाँ पे मैं दिखाया जाता हूँ आपको 1, 2 and 3, ये 3 जगह पर जो 90 डिग्री पर बेंड हो रहा है, इसलिए मैंने 2D उसको माइनस करूँगा। और ये जो 135 डिग्री पे ये हुक बनता है, ये वाला और ये वाला हुक बनेगा 135 डिग्री पे, तो ये दो हुक बन रहे हैं 135 डिग्री पे, इसलिए 2 into 3D किया मैंने। तो आप गाइस समझ गए होंगे कि कटिंग लेंथ का फॉर्मूला कैसा होता है। अब बस क्या करना है कि इसमें हमें वैल्यू डालना है और आंसर निकालना है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ और फिर जब सबकी वैल्यू निकल जाएगी तो सबकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये जो लेंथ है टोटल 12 इंच का है, तो 12 इंच यानी कि 300 एमएम का था, उसमें हमें माइनस करना है साइड कवर। तो साइड कवर 25 mm का दिया हुआ है, तो दोनों तरफ रहेगा तो वो हो जाएगा 50 mm।
ये हो गया आंसर हमारा 250 mm। ओके तो अभी हमें ये वाली बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका टोटल लेंथ है 24 इंच यानी कि 600 mm का, तो 600 यहाँ पे लिख दिए और उसमें माइनस करेंगे हम टॉप एंड बॉटम पे 40 mm का कवर रहेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा टोटल 80 mm। तो 80 mm हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 520 mm। अब हमें ए मिल गया, बी मिल गया, 10D हम ले लेते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 10D एक साथ 10D। अब हम हाँ एक चीज़ रह गया था इसमें, मैंने ये नहीं लिखा था कि ये जो स्टीरअप्स है ये 8 mm का है, ठीक है ये 8 mm का रहेगा। तो अब क्या करना है हमें 10D निकालना है। तो 10D के लिए क्या हो जाएगा, 10 × डाई ऑफ बार 8 mm है यानी कि ये 80 mm हो गया। अब ये 2D और 3D की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम साथ में। 2D यानी कि 2 × 8 16 mm और 3D यानी कि 3 × 8 24 mm। अब मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे बेंड होता है तो हम इसको माइनस करते हैं, और ये जब 135 डिग्री पे बेंड होता है तो हम इसे 3D माइनस करते हैं। अब ये सबकी वैल्यू निकल गई है, अब हमें इस फॉर्मूले में डालना है और आंसर निकालना है। टू इंटू ए कितना है 250, प्लस 2 × B वो कितना है 520, प्लस 2 × 10D कितना है 80 mm। उसके बाद माइनस करना है 3 × 2D कितना है 16 mm। फिर से माइनस करना है 2 × 3D कितना है 24 mm। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सबको तो इसका आंसर आ जाएगा 1604 mm, यानी कि हम इसको अगर मीटर में लिखते हैं तो 1.6 मीटर हो जाएगा आंसर। यानी कि है, यानी आपने देख लिए कि अगर इस तरीके का अगर आपको मिलेगा और इसकी साइज़ ये रहेगी तो उसका जो कटिंग लेंथ रहेगा वो 1.6 मीटर रहेगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।